सिवान जिले में बीते रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जैसे ही समाज से भी वो सिवान के निर्दलीय एमएलसी के उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर बदमाशों ने AK-47 से हमला कर दिया। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप 2-9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। सिवान जिले में बीते रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जैसे ही समाज से भी वो सिवान के निर्दलीय एमएलसी के उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर बदमाशों ने AK-47 से हमला कर दिया। इस हमले में रईस खान बाल बाल बच गए हैं। ये घटना रात करीब 11 बजे के आसपास की है, जब एमएलसी उम्मीदवार रईस खान शहर के पुराने किला अपने कार्यालय में वापस गांव ग्यासपुर जा रहे थे। इसी दौरान AK-47 से उनके काफिले पर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है रईस खान पर AK-47 से हमला करने वाले बदमाश 4 या 5 की संख्या में थे। हुसैनगंज के महुअल गांव में इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। जब बदमाशों ने रईस खान के काफिले पर हमला किया तो उनके पीछे एक बलोरो गाड़ी थी जिसमें कुछ बाराती सवार थे। बदमाशों को लगा कि बलोरो गाड़ी भी रईस खान के ही साथ है। उस बलोरो पर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। बलोरो में 30 वर्षीय विनोद यादव को कई हिस्से में गोली लगी और घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बारातियों के तरफ से 2 लोग भी घायल हैं। रईस खान के 2 लोग भी घायल हुए हैं, इनमें तैयब अली उर्फ बबलू खान और फूलन शामिल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन बबलू की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एमएलसी उम्मीदवार रईस खान ने कहा कि 4547 के साथ हमला किया गया है, किसी तरह वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन उनके भाई को गोली लग गई है और गांव के एक निर्दोष लड़के को भी मौत हो गई है। वहीं रईस खान ने कहा कि DM के बोलने के बाद भी हमें चुनाव में गार्ड नहीं दिया गया। घटना स्थल पर AK-47 की भारी मात्रा में गोलियां सड़क पर बिखरी मिली है, मुझे भी अभी खतरा है। रईस खान के समर्थकों की इस बड़ी घटना की जानकारी मिली तो वो दौड़े दौड़े अपने नेता को हाल जानने पहुंचने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा नर्सिंग होम पहुंचे और घायलों से मिलकर घटना की जानकारी ली। SP शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना की जांच हो रही है। वहीं बहरिया के पूर्व विधायक शाम बहादुर सिंह ने कहा कि घटना का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा भाई रईस खान किसी तरह बच गए हैं, इसलिए अब हिसाब तो जरूर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सिवान के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। लोगों को लग रहा है कि चुनावी रंजिश कहीं और लोगों की जान न ले ले। कल ही सिवान में शांतिपूर्ण तरीके से MLC का चुनाव भी संपन्न हुआ है। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।